बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आई एम मोहम्मद वकार शुएब, योर फिजिक्स टीचर। द चैप्टर वी आर स्टडिंग इज चैप्टर नंबर 7, विच इज अबाउट ऑसिलेशंस, एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको पता होगा बेटा जी, हमने पिछले लेक्चर के अंदर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट किया था SHM के साथ। आज हम SHM के साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ये डायग्राम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वाली है, सर्कुलर मोशन वाली है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने ये वाला इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था लास्ट टाइम। आज हम क्या करना चाहते हैं, सर्कुलर मोशन के अंदर ये जो पॉइंट P है ना, इसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं जो कि अलोंग टेंजेंट होगी। ये वाली जो वेलोसिटी है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है VP के साथ, वेलोसिटी एट पॉइंट P, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो टॉपिक है उसको सॉल्व करेंगे आज, कि इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। तो डायग्राम तो क्योंकि वही है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट यानी सर्कुलर मोशन वाली, तो इसके अंदर ये वाला एंगल हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर ये थीटा के इक्वल है तो ये वाला एंगल भी थीटा के इक्वल होगा। अब जैसे कि आपको बताया गया है कि ये वाली जो वेलोसिटी है ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब होता है एट 90 डिग्री, और 90 डिग्री को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पता है कि अगर ये एंगल आपके पास थीटा के इक्वल है तो फिर ये वाला जो एंगल बचेगा ये 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो इस 90 माइनस थीटा की के साथ हम इस टॉपिक को आज सॉल्व करेंगे। तो ये थ्योरीज की देख लें, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी एट एनी इंस्टेंट टी विल बी डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो हमें पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, यूनिफॉर्म इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें r जो है ना वो रेडियस है, और रेडियस इस वक्त एम्पलीट्यूड यानी x नोट के इक्वल है। तो ये फार्मूला हमारे पास अब बन जाएगा v इज इक्वल टू x नोट ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। v इज इक्वल टू r ओमेगा से हमने r को x नोट से रिप्लेस कर दिया। अब आप क्या करें, अब आप देख सकते हैं कि आपने तो क्योंकि वेलोसिटी यहां पे फाइंड करनी है इस पॉइंट के अलोंग, तो इस पॉइंट के अलोंग क्या होगा, जैसे जैसे पॉइंट जो है ना वो डी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये इसका जो है ना वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, और जैसे ही ये यहाँ से दोबारा इस तरफ आएगा तो ये डी पॉइंट से ओ की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है इस वक्त। तो वर्टिकल कंपोनेंट को अगर आप लेना चाहते हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे आप, इस वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आप क्या करें, वर्टिकल कंपोनेंट आपको पता है साइन के साथ होता है, तो ये आ जाएगा वी पी साइन ऑफ एंगल, आपको मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया 90 माइनस थीटा के इक्वल है। तो ये एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। इसमें आपको पता होना चाहिए कि साइन जो है ना वो 90 के साथ को रेशो में चेंज हो जाता है, तो ये 90 जो है वो साइन को चेंज कर देगी कोसाइन में कोज में, और ये एंगल जो है ना वो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए ये पॉजिटिव साइन ही आ जाएगा। तो वी पी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो है ना वो वी पी कोज ऑफ एंगल के इक्वल आ जाएगा। अब अगर हम उसी इक्वेशन के अंदर इसको पुट करें तो ये हमारे पास है VP cos of angle, और VP अभी हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था V is equal to R omega से यानी X note omega, तो ये आ जाएगा X note omega cos of angle आ जाएगा। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई है V is equal to X note omega cos of angle। अब आप क्या करेंगे, cos का इसके अंदर से जो है ना वो वैल्यू फाइंड करेंगे इस डायग्राम के अंदर से। कोसाइन आपको पता है लास्ट टाइम हमने साइन फाइंड किया था, तो अगर आप कोसाइन फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी इस डायग्राम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंगल आप फाइंड करना है कोसाइन ऑफ एंगल, तो कोसाइन ऑफ एंगल अगर आप डायग्राम में देखें तो ये एन पी ओवर ओ पी के इक्वल है। ये देख लें, एन पी ओवर ओ पी बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये आपके पास आ जाएगा एन पी ओवर ओ पी। तो ये एन पी ओवर ओ पी, इसमें देखिए अब एन पी हमारे पास गिवन नहीं है, हमें ओ पी भी गिवन है, ओ एन भी गिवन है। तो अगर आप एन पी फाइंड करना चाहते हैं तो आप पैथागोरस इसमें पैथागोरस थ्योरम लगाएं, उस थ्योरम के मुताबिक जो है ना वो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से एन पी की वैल्यू आ जाएगी एक्स नोट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये फाइंड करना बहुत ईजी है बेटा जी,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी एक्स नॉट का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर के। तो एन पी स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को उधर जाके माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो एन पी की वैल्यू आ जाएगी। तो एन पी आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट आ जाएगा। अब अगर आप इसको उसी इक्वेशन में पुट करें तो वो आ जाएगा वी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा ओवर एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें एक्स नॉट से घट जाएगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला आ गया वी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो अगर आपने फाइंड करना हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर तो आप इस रिलेशन को यूज करेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड करना चाहते हैं मींस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा तो अगेन डायग्राम वही है। इसके अंदर सिर्फ आपने क्या किया है वो वेलोसिटी वाला सिंबल नहीं बनाया, डायग्राम वही है। एक्सेलरेशन आपको पता है अलोंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल पॉइंट होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से आप एक्सेलरेशन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का होता है वी स्क्वायर बाय आर। तो आपने पी पॉइंट पे फाइंड करना है तो ये आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। इसके अंदर आप क्या करें वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट करें तो ये आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सिंस आर इज इक्वल टू एक्स नॉट तो ए पी आ जाएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने फिर क्या करना है यहाँ पे उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। तो जब आप वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा ए पी साइन ऑफ एंगल। तो ए पी का आंसर आपने लगा दिया एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ एंगल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इस डायग्राम से साइन ऑफ एंगल को फाइंड करेंगे। तो साइन ऑफ एंगल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा ओ एन ओवर ओ पी के इक्वल। तो ओ एन ओवर ओ पी के इक्वल साइन ऑफ एंगल आएगा जिसमें ओ एन एक्स के इक्वल है और ओ पी एक्स नॉट के इक्वल है। सो एक्सेलरेशन आ जाएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ एंगल के अंदर आप साइन ऑफ एंगल लगा दें एक्स ओवर एक्स नॉट तो एक्स नॉट घट जाएगा तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब आपको पता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर है तो इसलिए हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये इसकी डायग्राम है जिसके मुताबिक आपने क्या किया इसकी वैल्यू को फाइंड किया। ये बेटा जी आज का लेक्चर था जिसके अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड किया।